तो वेलकम बैक सर, बहुत अच्छा लगा आपसे पूरी स्ट्रैटेजी जानने के लिए कि बार्क में कैसे सिलेक्ट होते हैं। मतलब वो रिटर्न, वो इंटरव्यू आपने इतने अच्छे से समझाया है कि स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ जाए कि इट इज डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो जो भी चीजें सर ने कही हैं उन चीजों को ध्यान रखते रहे पर प्रिपरेशन पे भी। पर इसके बाद सर ये समझ में नहीं आती कि बार्क ट्रेनिंग स्कूल के अंदर होता क्या है। मतलब आप जाते हैं क्या, आप अपने ब्रांच की चीजें पढ़ते हैं या आप जनरल चीजें पढ़ते हैं, क्या आप पूरा न्यूक्लियर वाली चीजें ही पढ़ते हैं? तो किस टाइप का करिकुलम रहता है, क्या क्या करने के लिए मिलता है, डेली शेड्यूल्स क्या रहते हैं आपके, क्या दिन भर पढ़ना रहता है? तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। फर्स्ट ईयर का हमारा जो करिकुलम है वो 3 सेमेस्टर में बटा हुआ है और हमारी क्लासेस की टाइमिंग रहती है 9 बजे से 5 बजे तक। इन बिटवीन यू विल गेट वन वन आवर ब्रेक, लंच ब्रेक फ्रॉम 1 to 2 PM। तो ऐसा रहता है। और फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, हाँ ये 3 सेमेस्टर रहते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, पूरा न्यूक्लियर रिलेटेड, किस तरह से फिजन होता है, किस तरह से फ्यूजन होता है, पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर किस तरह से काम होता है, मतलब पूरा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर जैसे मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है तो बिल्कुल वैसा नहीं रहेगा क्योंकि ये न्यूक्लियर साइंसेज है, तो आपको पूरा बताया जाएगा किस तरह से फिजन, मतलब पूरा डिटेलिंग की जाएगी किस तरह से रिएक्टर वर्क करते हैं, पूरा अच्छे से बताया जाएगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात होती है। और हमारे एग्जाम्स होते रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया हर हफ्ते मंडे को हमारा एग्जाम होता है, क्लासेस चलती रहेंगी, हर हफ्ते मंडे को हमारा एग्जाम होता है और कई बार हफ्ते में 3 एग्जाम भी होते हैं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ऐसा रहता है। और हमारा इस वक्त 6 डेज वीक चल रहा है, मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारी क्लास रहती है और जिस दिन एग्जाम है उस दिन भी एक हाफ में एग्जाम होता है और सेकेंड हाफ में क्लासेज होती है। जैसे अगर मंडे को एग्जाम है तो दिन में 9 से 3 घंटे का एग्जाम, 9 से 12 एग्जाम हो जाएगा और सेकेंड हाफ में फिर क्लासेज हो जाती है। अगर हमारा सिलेबस पीछे चल रहा होता है, ऐसे हमारे मतलब टीचर्स को लगता है कि एक्सटेंड लेनी चाहिए एक्स्ट्रा क्लास, तो उस दिन भी हमें ऐसे छोड़ते नहीं है, प्रॉपर क्लासेस चलती हैं। तो ये तो हो गया शेड्यूल, फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा न्यूक्लियर रिलेटेड काम रहता है। सेकेंड सेमेस्टर में आप क्या देखेंगे कि आपकी ब्रांच, जैसे मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरह से यूज हो सकती है इन न्यूक्लियर साइंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल सेंसर्स, अगर आप रिएक्टर्स में काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं तो सेंसर तो चाहिए, वो सेंसर बनाएंगे हम, तो वो किस तरह से, क्योंकि जो रिएक्टर है वहां पे टेम्परेचर कहीं 350 डिग्री सेल्सियस तक है, इतना हाई टेम्परेचर, तो वो इक्विपमेंट कैसे डिजाइन होंगे, किस तरह से, मतलब नॉर्मली तो काम कर जाएंगे वो, लेकिन उस टेम्परेचर उस प्रेशर पे किस तरह से वो झेल पाएंगे, किस तरह से, मतलब किस तरह से हमें वो बनाना है, वो फिर हमें सेकंड सेमेस्टर में बताते हैं। पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स को किस तरह से अप्लाई करेंगे हम न्यूक्लियर इंडस्ट्री में, ये तो हो गया सेकंड। और तीसरा सेमेस्टर जो होता है हमारा वो होता है इलेक्टिव। वो इलेक्टिव में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप तीन इलेक्टिव ले सकते हैं। अच्छा मैं बताना भूल गया, फर्स्ट सेमेस्टर में लगभग हमारे 8 to 9 सब्जेक्ट्स थे, सेकंड सेमेस्टर में भी ऐसा ही था, और थर्ड सेमेस्टर 8 to 9 सब्जेक्ट्स, और थर्ड सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं इलेक्टिव, इलेक्टिव होते हैं तो वो आप चूज कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब इलेक्टिव में तो आपका मन है कि आप किस तरह के सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं, आपके पास 5 6 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको 3 लेने पड़ेंगे, लेकिन अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू वर्क अपॉन अ प्रोजेक्ट। आपको एक मेंटर के अंदर, एक साइंटिस्ट के अंदर आपको प्रोजेक्ट, मतलब साथ में थर्ड सेमेस्टर में ही हो रहा है, आपको एक मेंटर के अंदर एक प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया, जैसे मैं बता रहा था कि प्रोजेक्ट हम देखते हैं, हमें लगता है कि ये हमारा प्रोजेक्ट टाइम चल रहा है अभी, तो लगता है कि कैसे होगा, तो ये आपको थोड़ा सा एक्सपोजर देने के लिए, किस तरह से आपका करियर होने वाला है, किस तरह से आप डील करने वाले हैं, तो थोड़ा सा थर्ड सेमेस्टर में आपको एक्सपोजर मिल जाता है, आप प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं, उसे कहते हैं मिनी प्रोजेक्ट। तो इस तरह से पूरे साल भर में 3 सेमेस्टर खत्म हो जाते हैं और उसके बाद आपकी रैंकिंग बनती है, आपकी रैंकिंग बनती है जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया ब्रांच में जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे उसे सारी चॉइसेस रहेंगी। अब वो कल्पकम जाना जाता है, आईजी का कल्पकम, जैसे डीआई की जो बहुत सारी यूनिट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की जो भी यूनिट्स है, आरआरकेट इंदौर या बार्क में रहना चाहते हैं, एनपीसीआई भी आता है उसके अंडर में, तो जो टॉपर होगा उसको सारी चॉइसेस अवेलेबल होंगी। इसलिए लोग यहाँ पे काफी मेहनत करते हैं एग्जाम में, क्योंकि मतलब डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है आपकी पोस्टिंग, आपके मन का काम, आपके मन की डिविजन कि आपको कहाँ पे काम करना है। आपको फ्रीडम तभी मिल पाएगी जब आप ट्रेनिंग को सीरियसली लेंगे। मैंने ये देखा है कि इनिशियली ऐसा लगता नहीं है, हमें महसूस होता नहीं है, मतलब इनिशियली हम लाइट होते हैं कि ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे एंड आता है तो लोग रिग्रेट करते हैं कि हमने इनिशियली इतना लाइट क्यों ले लिया, क्योंकि वो कवर अप नहीं कर पाता। यहाँ पे अगर आपके मतलब कवर अप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगातार यहाँ पे लोग मेहनत करते हैं लगातार। मैंने ऐसे भी दोस्त देखे हैं जो रात भर सो ही नहीं रहे, मैं मिलता हूँ और वो मतलब सो भी नहीं रहे और एग्जाम देखे। खैर मैं तो नहीं किया ऐसा, क्योंकि मैं तो मानता हूँ रात में सोना जरूरी है, तभी एग्जाम में कुछ हो सकता है, मेरे बस की नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोग ऐसे भी हैं जो रात भर सो ही नहीं रहे और एग्जाम देके आ रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे मतलब पहले ऐसी तैयारी कर चुके हैं। तो ही मैं कह रहा हूँ ये आप गलती कभी भी नहीं कर सकते ट्रेनिंग स्कूल में, आप इंजॉय करिए। जैसे कि मैंने कहा, जब आप इंजॉय कर रहे हैं
जैसे मुंबई काफी घूमने लायक जगह है, और ये जो हमारा कैंपस है ये कैंपस बहुत शानदार है। बार्क में आप देखेंगे कैंपस बहुत ग्रीन लश है, ग्रीनरी है और बहुत शानदार है। जब आप घूम रहे हैं तो एंजॉय करिए, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आप डाइवर्ट नहीं कर सकते अपनी अटेंशन, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। तो ये मेरा पॉइंट, ये मैं कहना चाहूंगा कि आप ध्यान दीजिए ट्रेनिंग पे, आप लाइटली ना लीजिए, क्योंकि ये पोस्टिंग आपकी डिसाइडिंग फैक्टर हो जाती है। जैसे कि यहाँ उसके बाद क्या होता है, जब 3 सेमेस्टर हो गए उसके बाद फिर हमें हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है अकॉर्डिंग टू द रैंक। हम चॉइस चूज कर लेते हैं अपनी अपनी यूनिट किस में जाना चाहते हैं, फिर हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है, फिर हम जाके ज्वाइन कर लेते हैं आफ्टर द ट्रेनिंग, और जहां पे हम जाते हैं। और उसके बाद तो आप जैसे जानते हैं कि साइंटिस्ट का काम है, जहां पे भी हम जाएंगे तो जो प्रोजेक्ट होता है मल्टीडिसिप्लिनरी टास्क में होता है, जो डिविजन्स बार्क में बहुत सारे डिविजन्स है, अलग अलग जगह पर हम लोग प्लेस होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग प्लेस होंगे, यहाँ पे कंप्यूटर डिविजन है, तो हमारे पास एज अ प्रोजेक्ट आते हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट पर काम करना है, मतलब आपको हेल्प मिलेगी पूरी, आपको की टीम का सपोर्ट मिलेगा पूरा, लेकिन मेहनत आपको करके आपकी टीम भी आपका सपोर्ट करेगी, और टीम कई बार टीम प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, कई बार इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स भी रहते हैं। तो ऐसा है, और जैसे कि मैंने बताया कि प्रोजेक्ट शुरू शुरू में तो लगता है कि नहीं हो पाएगा, मतलब ऐसा लगता है कैसे हो पाएगा, नई चीज होती है बिल्कुल, लेकिन आप करते रहते तो हो जाता है, ऐसा है। मतलब वही आपने एक बात को बहुत अच्छे से समझा दिया ना, कि आपको आने के बाद भी वहां पर मेहनत करनी है। और इस बार उन लोगों के साथ है जो लोग बहुत ही क्रीम हैं, जो ऑलरेडी साइंटिस्ट हैं, तो अब इसके बाद मेन जो बात आती है ना वो होता है मेहनती लोगों के बीच में, मतलब एकदम मेहनत कर रहे हैं आप, अच्छे से अपना दिमाग लगाते हुए कूल रह के। तो ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यू नीड टू बी इंफॉर्मेटिव। ऐसी एक जगह पे जहां पर आप जा रहे हैं वहां पर आपको हमेशा अपना दिमाग ऐसा रखना है। कई लोग ऐसे नहीं रहते सर, बस जॉब लग जाए, बस जॉब लग जाए उसके बाद देखेंगे, चाहे कहीं लग जाए, जॉब बस चाहिए करके। तो ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर अगर आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा नॉलेज गेन करना पड़ेगा। मार्क दैट पॉइंट, शायद सर आप इस बात से एग्री करेंगे कि आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, आप अपने पोस्टिंग पे भी चले जाएंगे, पर फिर भी आपको रेगुलरली पढ़ना तो पड़ेगा ही। मैंने यहाँ पे ऐसे भी लोग देखे हैं कि साथ में लोग काफी मेहनत करते हैं तो वो टेंशन लेने लग जाते हैं कि सामने वाला इतनी मेहनत कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा लोग ले लेते। इसलिए मैंने कहा था कि आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है, आप दूसरे से कम्पीट मत करिए। अगर आप दूसरे से कम्पीट करेंगे तो बहुत लंबा नहीं खेल पाएंगे, लंबा चलना पड़ता। हमेशा आप अपने आप से कंपेयर देखिए कि अगर मैं आज इस लेवल पे हूँ तो अब मेरे को इस तरह से करना है कि मेरे को अपने आप को बीट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको जब आएंगे तो काफी लोग मेहनती होंगे तो आपको लगेगा कि ये मेरे से अच्छा कर रहा है। तो इस चीज का कई बार लोग सोचने लग जाते हैं कि अरे यार मैं नहीं कर पाऊंगा, जैसे मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करिए। तो आप अपने काम पर फोकस करिए, अपने आप पर फोकस करिए, अपने आप से कम्पीट करिए, तभी लॉन्ग रन में चाहे अभी भी और कभी भी किसी भी चीज में हमेशा खुद से कंपटीशन होता है। दूसरे से कंपटीशन थोड़े टाइम तक आप कर सकते हैं, थोड़े टाइम तक ऐसा लगेगा कि सही हो रहा है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग रन में चीज चाहिए तो हमेशा खुद से कंपीट करिए और खुद ही देखिए कि अपना स्टैंडर्ड आप आगे क्रॉस कर पा रहे हैं कि नहीं। और दूसरी चीज बिल्कुल ये बात सही है कि जब हम ज्वाइन करते हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा, अगर आपको अच्छा करना है, अगर कोई इनोवेशन करनी है तो आपको पहले इतना पढ़ना पड़ता है कि जितना उस फील्ड में काम हो रखा है, जितना पहले के लोगों ने काम कर रखा है, पहले तो वो समझना होता है। अगर आप आगे कुछ करना चाहते हैं तो पहले तो जितनी चीजें हो रखी है पहले तो आपको वो समझनी होती है, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही आप एड ऑन कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा लगातार लेनी पड़ेगी, अगर आप इस प्रोफाइल में एज अ साइंटिस्ट हैं तो आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कैपेबिलिटी रहनी चाहिए। आप अगर आप ये सोच के रह रहे हैं कि नहीं अब तो मैं दिमाग वैसे मतलब ज्यादा चलाऊंगा नहीं, ज्यादा अब तो आराम है, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ज्यादा फिर इनोवेशन आप कर नहीं पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब तभी है जब आप लगातार सीखने को रेडी है। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया सर। एक और पॉइंट है, एक स्टूडेंट जब निकलता है तो उसके पास सबसे पहला थॉट रहता है कि पर्क्स क्या क्या मिलने वाले हैं, रहने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, क्या क्या रहता है, कुछ आप बता सकते हैं कि सैलरी वगैरह किस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, क्योंकि एक स्टूडेंट के माइंड से समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ये सर जी सबसे पहले क्या होता है कि जब आप इन ट्रेनिंग फेज में है एक साल के लिए, तब आपका 55,000 स्टाइपेंड होगा, स्टाइपेंड मिलेगा आपको 55,000। जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपको 3 मतलब यूजली जो लेवल 10 का बेसिक होता है 56,100 होता है, लेकिन बार्क में क्या होता है ट्रेनिंग के पास होते ही आपको 3 इंक्रीमेंट दे देते हैं, तो आपकी जो बेसिक होती है वो 61,000 होती है। यूजली बाकी सर्विस में 56,100 से शुरू होता है, लेकिन आफ्टर द ट्रेनिंग एक साल के बाद आपका जो बेसिक होगा वो 61,100 होगा। बाकी जो HRA और DA होते हैं 28%
ये सब तो रहेंगे पर्क्स बेसिक पे जो आपको पता ही है, साथ साथ में मेडिकल फैसिलिटीज आपको पूरी मिलेगी। हमारा यहाँ पे बार्क हॉस्पिटल, जैसे मैंने बताया हमारा मेडिकल भी बार्क हॉस्पिटल में होता है, मेडिकल भी होता है मतलब ट्रेनिंग से पहले कुछ दो तीन दिन तक मेडिकल भी चलता है। तो आपको हॉस्पिटल रहेंगे और हॉस्पिटल में काफी अच्छी फैसिलिटीज है, आपको मतलब हेल्थ केयर की कोई परेशानी नहीं रहेगी। अगर आपको मतलब यहाँ पे अगर नहीं भी होगी फैसिलिटी तो जो भी टॉप पैनल में है मुंबई में, जो भी टॉप हॉस्पिटल है वो सारे पैनल में आप रेफर हो जाएंगे बार्क के थ्रू। आपका जो समझे मेडिकल जो है पूरा बार्क देख लेगा। दूसरी चीज यहाँ पे हमारे कैंपस में जहाँ पे इस वक्त हम रह रहे हैं, अभी हम ट्रेनिंग स्कूल हॉस्टल में रह रहे हैं और यहाँ पे स्कूल्स भी हैं, दो तीन स्कूल भी हैं केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल्स। तो समझ लीजिए कि पढ़ाई का मतलब अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से देखें तो बच्चों की पढ़ाई और स्कूल का पूरा यहाँ पे सेट, मतलब पूरा जो एनवायरनमेंट है वो पूरा कंस्ट्रक्टिव है। अगर यहाँ पे कोई आता है तो खुद ही देख के मतलब खुश रहेगा। मतलब जो स्टार्टिंग जब हम लोग आए थे इंटरव्यू दे रहे तो पहले तो हम कैंपस देख के ऐसे हैरान हो गए थे। हम तो स्टार्टिंग मतलब इंटरव्यू से पहले हम देख रहे थे कि कितनी ग्रीनरी है, आमतौर पर नहीं मिलती, गवर्नमेंट के इलाके में रहती अच्छी खासी। तो ये एनवायरनमेंट पूरा अच्छा है, ये फैसिलिटीज है, हाँ इतनी है फैसिलिटीज। बहुत सही बहुत सही। ये क्या है ना, स्टूडेंट के एकदम उसमें रहता है कि क्या क्या मिलने वाला है, क्या होगा, बैकअप तो माइंड में रहता है। पर आपने ये क्लियर कर दिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने हर एक चीज को कवर कर लिया, कैसे एंटर किया जाता है, किस तरीके की लाइफ रहेगी। एक लास्ट क्वेश्चन सर, आप वो बता सकते हैं क्या, आपने एक लेवल 10 कहा, मतलब मैं हायरार्की जानना चाहता हूँ कि आज मैं एक ट्रेनिंग साइंटिस्ट करके ज्वाइन करूंगा तो मेरी किस तरीके से प्रमोशन होगा और मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। हम एज अ साइंटिस्ट सी ज्वाइन करते हैं, मतलब जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम सी होते हैं। तो आफ्टर 2 or 3 years वी गेट प्रमोटेड अकॉर्डिंग टू कि आप कितना अच्छा काम करते हैं। यहाँ पे हमारे जो प्रमोशन है वो परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन है। यहाँ पे बाकी गवर्नमेंट जॉब्स की तरह है कि टाइम बेस्ड है कि हो ही जाएगा। इसलिए मैं कहा था कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको रहना चाहिए, आप एक्टिव रहने चाहिए, आप लगातार काम करने चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ आप कुछ डिपार्टमेंट को कुछ दे रहे हैं, देश के लिए सही में कुछ कर रहे हैं, तब आपके प्रमोशन होते हैं। तो जो अच्छा काम करते हैं तो उनका प्रमोशन जल्दी होता है, जैसे 2 साल में हो गया, किसी का 3 साल लग गया, तो सी से डी हो जाते हैं। वैसे डी से ई, ये साइंटिस्ट सी से हम साइंटिस्ट डी हो जा रहे हैं, साइंटिस्ट ई, फिर ई से एफ, एफ से जी, एंड जी से एच, फिर एच के बाद आता है ओएस, आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट, एंड आफ्टर ओएस वी बिकम डीएस, डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट। यहाँ तक ऐसी हायरार्की है हमारी, सी से डीएस तक। जी मुझे बहुत खुशी हो रही है सर आपसे बात करके, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी आपसे जान पहचान है, तो वो फ्यूचर के साइंटिस्ट जो बड़े बड़े रहते हैं, जिनको हम लोग टीवी में देख के एडमायर करते हैं, सोचते हैं कि इन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं और उनको मैं जानता हूँ करके। तो थैंक यू सो मच अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। It's time to experience something glorious. An Academy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you. An Academy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. An Academy Combat. Register now.
Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from any time and from anywhere.